पीना इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि मैं आप लोगों को मतलब बोले बिना रह नहीं पाई। देख सकते हो ग्लो मेरे फेस पे, कितना प्यारा ग्लो आया है गाइज। लाइक यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख में, एंड आप देख सकते हो मेरे पोर्स जो है ना वो पूरी तरह से ओपन है। अभी मैं टोनर, तो कैसा लगा आज का इंट्रो दोस्तों? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो एक स्किन केयर वीडियो है, जैसे कि आप लोग टाइटल ने थंबनेल देख के एंड इंट्रो देख के समझ गए हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये टोटली बेस्ड है मेरी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सी सब्सक्राइबर्स जो कि अभी टीन एज है, एंड मेरी सिस्टर्स के लिए, क्योंकि वो लोग मुझे कमेंट करती हैं कि दी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकें स्किन केयर या मेकअप में, तो आप अफोर्डेबल स्किन केयर बताइए। सो हेयर आई एम विद योर रिक्वेस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ में क्लीन अप अंडर ₹20 शेयर करने वाली हूँ। अगर आप टीनेज हैं, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डर्ट है, आपको टैनिंग हो रखी है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के साथ में टीनेज या फिर आप कह सकते हैं क्लीन अप अंडर ₹20 शेयर करने वाली हूँ। क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ? अरे भाई सच में क्लीन अप आप ₹20 में कर सकते हैं। ये मैं आज के इस वीडियो में प्रूफ करूँगी, एंड उससे आपको रिजल्ट भी मिलता है। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये वर्क करता है। अभी आप मेरी स्किन देख लो और आप लास्ट में स्किन देख लेना जब मेरा पूरा स्किन केयर हो जाएगा। और अगर आपको डिफरेंस समझ में आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर नहीं देन इट्स ओके। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, और मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे। दोनों का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डाबर का रोज़ वाटर। बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है आपके फेस को क्लीन करने के लिए। अगर जब आप ये क्लीन अप करोगे ना, दो तीन बातों का आपको ध्यान देना है। ना तो फेस पर मेकअप होना चाहिए, ना ही आपके फेस पर किसी भी तरह का डर्ट होना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद आप क्लींजिंग करिए। क्लींजिंग करने से क्या होता है, आप क्लींजिंग जब आप फेस वॉश करते हो तो आपका ऊपर का फेस का लेयर क्लीन होता है, जब आप क्लींजिंग करते हो तो आपके पोर्स अंदर से क्लीन होते हैं। तो क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है, एंड रोज़ वाटर से अच्छा क्लींजर कोई नहीं है अंडर ₹20। सो क्लींजिंग हो गया। सेकंड स्टेप होता है हमारा स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने यूज़ किया, अच्छा हाँ, जो रोज़ वाटर है ये छोटी बॉटल आपको ₹20 की मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर रोज़ 10 रुपीज़ की भी मिलती है रोज़ वाटर, आप वो भी परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने स्क्रब यूज़ किया। सेकेंड स्टेप जो होता है स्क्रबिंग, स्क्रब के लिए मैंने यूज़ किया एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। ये ₹15 का पाउच आपको मिल जाएगा। सभी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीन अप का जो टोटल टाइम होता है, ड्यूरेशन, वो 30 मिनट्स का होता है। आपको हर एक पार्ट के लिए डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम किस पार्ट को देना है, ठीक है। स्क्रबिंग के लिए आप मैक्सिमम टाइम 5 मिनट या फिर आप 5 to 10 के बीच में रखिएगा। लेकिन अगर आप सेंसिटिव स्किन टोन के हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन स्क्रबिंग का थोड़ा कम देना है। अच्छे से स्क्रब करना है ताकि आपके जो पोर्स है वो डीपली क्लीन हो जाएं, आपकी जो डर्ट वगैरह पोर्स के अंदर चली गई वो क्लीन हो जाए, डेड सेल्स जो हैं आपके फेस पे वो रिमूव हो जाएं, एंड ऑल्सो आपका जो फेस है ना वो एकदम ईवन हो जाए। स्क्रब करने से आपका फेस एकदम स्मूथ हो जाएगा, ईवन हो जाएगा, जिससे जब आप मसाज करोगे ना तो आपको दरदरापन नहीं महसूस होगा। एंड अगर आप स्क्रब करते हो तो आपके वाइट हेड्स तो स्क्रब से ही निकल जाते हैं, बचते हमारे ब्लैक हेड्स जो कि आप आगे के एक स्टेप में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्लीन अप अगर आप करते हो एंड आपको इफेक्ट मिलता है, देन प्लीज़ कमेंट करना एंड इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर करना, एंड मेरे दोनों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो शूट करने में, एंड आज के एडिटिंग में भी मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला है। आई एम अ हाउस वाइफ, मुझे इतना अच्छा एडिटिंग नहीं आता, बट मैं जस्ट सीख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, एंड उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड आप देखो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई, एंड आप मेरे फेस पे चमक देख सकते हो। चलो आते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि होता है हमारा मसाज। मसाज के लिए जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ अ जॉय की मसाज क्रीम, और इसमें जो मेरा फ्लेवर है वो है आमंड। इसमें एक फ्रूट क्रीम भी आती है, एलोवेरा क्रीम भी आती है, आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ये ₹10 की डिब्बी मिलती है आपको, एंड ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना अच्छे से ये आपके फेस को मसाज करती है, एकदम बटर की तरह स्मूथ है, एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है।
ये जो क्रीम है ना, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। लाइक अगर मैं इसको बोलूँगी ड्राई स्किन वाले इसको 10 मिनट तक मसाज करेंगे तो आप 8 मिनट या 7 मिनट तक करिएगा, ठीक है। अब इससे आपको पानी में मिक्स करके इस क्रीम को और मसाज करना है। मसाज के स्टेप्स आप देख लो, मैंने इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप एक एक स्टेप को देख पाएँ, समझ पाएँ। मसाज से क्या होता है, हमारे फेस के नीचे जो मसल्स में वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो फास्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, सॉरी रिंकल की प्रॉब्लम, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है वो दूर होती हैं। हमारे फेस में यदि मुहासे निकलते हैं, आपको पिंपल निकलते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी दूर होता है। क्लीनअप से आपकी स्किन क्लीन होती है। आपको बोलो, मैं बोलूँ क्लीनअप करने से आपके पिंपल चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पिंपल हैं तो आप स्क्रब को बहुत ही लाइट वेट में और केवल 2 से 3 मिनट या 4 मिनट ही करिएगा। बहुत हार्ड स्क्रबिंग मत करिएगा अपने फेस पे, ठीक है। स्टेप देख लो आपको किस तरह से स्टेप, आपको मतलब अपने आप को रिलैक्स करना है, अपनी स्किन को रिलैक्स करना है, आपको जस्ट अपने फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो आप जो जिस भी तरह से मसाजिंग में आप जिस तरह से मैं भी कंफर्टेबल है, आप उस तरह के स्टेप्स को फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं जो मैं दिखा रही हूँ वो ही आपको करना है, बस आपको अपनी स्किन को रिलैक्स करना है एंड ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए उन मसाज के स्टेप्स को फॉलो करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सो यहाँ पर देख लो आप, मैंने मसाज कर लिया अच्छे से। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ स्टेप के लिए, लेकिन उससे पहले आपको अभी ही मेरी स्किन में डिफरेंस दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो है। गाइज मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल के फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ। आपको मेरे वीडियोस में रियलिटी दिखेगी। मेरे अगर डार्क सर्कल हैं तो आपको दिखेंगे, पिंपल के स्पॉट्स हैं तो आपको दिखेंगे। जिन लोगों के पास कैमरा होता है ना, उनके में ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं बाय फिल्टर, एंड वो लोग लिपस्टिक वगैरह लगा के फेशियल के वीडियो बनाते हैं। भाई मैं इस तरह के फेक वीडियोज़ नहीं बनाती, रियलिटी आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ में रियलिटी दिखे, आपको लगे कि नहीं ये इफेक्टिव है, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप करके भी जा सकते हैं। फेस मास्क के लिए मैंने यूज़ किया है आयुर का सैंडल फेस मास्क। इसमें आपको कोकुम्बर मिल जाएगा, रोज़ मिल जाएगा, नीम मिल जाएगा, आपको तुलसी मिल जाएगा, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने सैंडल यूज़ किया है क्योंकि चंदन आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आपके फेस को बेसिकली ठंडक प्रोवाइड कराता है एंड स्किन टोन को लाइट करता है, लाइक आपके रंगत को निखारता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गोरा बनाता है, लेकिन हाँ रंगत को निखारता है। इसको अपने लगाना है, 15 मिनट तक सुखाना है, उसके बाद में आपको इसको वॉश करना है। फेस पैक को तब नहीं धुलना है जब उसमें क्रैक्स पड़ जाए, वो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी की तरह, जैसे सूखी हुई मिट्टी में बीच में दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे करेंगे आप तो आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको तब इसको वॉश करना है जब ये हल्का सा गीला हो, ठीक है। तो बस मैंने इस फेस पैक को लगा लिया और वॉश कर लिया, एंड उसके बाद में आप क्लियर डिफरेंस देख पाओगे मेरे फेस पे। एंड आप रिवर्स में चले जाओ, पहले का मेरा स्किन देख लो, अभी का स्किन देख लो, यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस ऑन माय फेस। पूरी डेड सेल्स, डेड स्किन जो भी थी वो निकल चुकी हैं, सारी डर्ट निकल चुकी है, एंड आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी भी, क्योंकि मैं रही नहीं पाई आपको ग्लो दिखाने। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये छूट गया है जो मैं दिखाना चाह रही, मेरा कैमरा वो कैच नहीं कर पाया। इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि मैं आप लोगों को मतलब बोले बिना रह नहीं पाई, जबकि मैंने ये वॉइस ओवर वीडियो बनाया है। आप देख सकते हो ग्लो मेरे फेस पे, कितना प्यारा ग्लो आया है गाइज। मतलब मेरा कैमरा उतने अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मतलब मोबाइल का कैमरा, फ्रंट कैमरा उतने अच्छे से कैच नहीं कर रहा, लेकिन यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस। लाइक यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देखो, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्लीनअप में। एंड आप देख सकते हो मेरे पोर्स जो है ना वो पूरी तरह से ओपन है। अभी मैं टोनर अप्लाई करूंगी उनको क्लॉक करने के लिए। सो मुझे स्वेटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे जो पोर्स हैं वो अंदर से क्लीन हो गए हैं। सो ये फेशियल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एक बार इसको ट्राई जरूर करना। एंड अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करना। आगे चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों की और भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है, देन डू कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। आगे चलती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सुबह बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।